गाजीपुर पुलिस और प्रशासन ने एक बार फिर से गैंगस्टर मुख्तार अंसारी के गुर्गे के खिलाफ सख्त रूप से कार्रवाई की है। टीम ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए उसकी 14 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को कुर कर लिया। गाजीपुर पुलिस ने गैंगस्टर मुख्तार अंसारी गैंग के सदस्य गणेश दत्त मिश्रा की 14 करोड़ 20 लाख की अचल संपत्ति को कुर कर लिया। एसपी के नेतृत्व में सदर कोतवाली क्षेत्र के रजदीपुर देहाती और कपूरपुर में स्थित संपत्तियों को पुलिस ने कुर किया है। गणेश दत्त मिश्रा के ऊपर गाजीपुर और मऊ में कुल 7 मुकदमे दर्ज है। एसपी ने बताया कि मुख्तार अंसारी गैंग के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है और पिछले 3 महीनों में 62 करोड़ की संपत्ति कुर की गई है। देखिए, आज मुख्तार अंसारी गैंग जो कि IS-191 गैंग है, उसके एक मेंबर गणेश मिश्रा के ऊपर भी आज लगा 14 की कार्रवाई के अंतर्गत उसकी प्रॉपर्टी सीज की जा रही है। टोटल आज के सीजर जो है वो 14 करोड़ 20 लाख रुपए का है। 4 प्रॉपर्टीज हैं, लैंड प्रॉपर्टीज है सारी। ये व्यक्ति जो था ये मुख्तार अंसारी गैंग से बहुत ही क्लोजली निकले था, हेड था उनका, और ऐसे अन्य व्यक्तियों के खिलाफ, गैंग के मेंबर्स के खिलाफ लगातार इस तरीके की कार्रवाई जो है वो कराई जा रही है। फाइनेंशियल सपोर्टर भी थे सर, फाइनेंशियल सपोर्टर भी था, फाइनेंस का पूरा इसका काम जो है वो देखता था और लगातार आपराधिक षड्यंत्र में इसका लिप्त होने का ये था। 7 मुकदमे इसके ऊपर दर्ज हो गए हैं। गाजीपुर में आज 4 लैंड है सर, क्या कोई आज 4 लैंड प्रॉपर्टीज हैं, सभीओं को आज कुछ जो है वो कराया जा रहा है। लगभग 14 करोड़ 20 लाख सर, अभी तक क्या कार्रवाई होती है? देखिए, विगत 3-3.5 महीने में 62 करोड़ रुपए की मुख्तार अंसारी गैंग के मेंबर्स की प्रॉपर्टी जो है वो सीज कराई गई है और इसमें काम जो है वो लगातार चल रहा है। इनके अन्य मेंबर्स की भी प्रॉपर्टियां ढूंढी जा रही है। इसमें सिटी एसपी आर्य के नेतृत्व में टीमों का गठन किया जा रहा है और इस तरीके की अवैध तरीके की प्रॉपर्टीज जो कि अवैध ढंग से कमाई गई है, उसको सीजर का काम जो है वो लगातार चल रहा है।